तो गाइस सब कैसे हो। मैं हूँ नॉन रिटेल ऑनलाइन चैनल पर आप लोगों का और एक बार स्वागत। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल का न्यू एक्टिवेशन कमीशन को लेकर। देखो एयरटेल का न्यू एक्टिवेशन कमीशन में बहुत ज़्यादा अपडेट किया गया है और एक बेहतरीन ऑफर दिया गया है जो सभी रिटेलर के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। एयरटेल के सभी रिटेलर लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो कमीशन पहले नहीं मिलता तो वो अभी मिलेगा आप लोगों को, और जो पहले मिलता था उससे ज़्यादा आप लोगों का भी कमीशन मिलेगा। तो ज़रूर आप लोग वीडियो के अंत तक देखना। इस छोटा सा वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एयरटेल का न्यू एक्टिवेशन का आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर कभी MNP को लेकर भी वीडियो आप लोगों तक ले आऊँगा। ओके, बट आज हम ओनली न्यू सिम एक्टिवेशन का FRC में कितना कमीशन है वो आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। ओके, तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो सबसे बढ़िया जो चीज़ है, एयरटेल ने ऐसे कमीशन लॉन्च किए जो धांसू, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 149। देखो एयरटेल का सिम अभी जो लोग गाँव इलाका में खरीदते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कीपैड मोबाइल होता है, नॉर्मल कीपैड मोबाइल, उसमें यूज़ करने के लिए वो लोग मतलब एयरटेल का न्यू सिम खरीदते हैं। तो मतलब उस टाइप का ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहते हैं कि उसको नेट नहीं चाहिए, उसको नॉर्मल जो भी सिम है वो लेते हैं। तो नॉर्मल सिम मतलब मिनिमम 149 का जो FRC है उसमें पहले कोई भी कमीशन वगैरह नहीं मिलता था, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज वो कम मतलब थोड़ा कस्टमर से लेना पड़ता है। बट अभी 149 में एक धमाका कमीशन लॉन्च किया गया है। आप अगर 149 का न्यू सिम एक्टिवेशन के टाइम FRC करते हो तो आप लोगों को 60 रुपीज़ का कमीशन OTM मिलेगा, साथ में रिचार्ज का 9 रुपीज़, तो आप लोगों को 69 रुपीज़ का टोटल कमीशन आप लोगों को मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। देखो पहले कुछ भी नहीं मिलता था, इस FRC को मैंने बहुत किया बट पहले कुछ भी नहीं मिलता था, बट अभी इस ऑफर में हम लोगों को 69 रुपीज़ का कमीशन मिलने वाला है। आप अगर जितने भी चाहो आप मतलब सिम सेल कर सकते हो 149 रुपीज़ के FRC देकर, तो आप लोगों को 69 रुपीज़ का कमीशन आप लोगों को मिलेगा। और ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर, बहुत ही बेहतरीन कमीशन और एक बेस्ट कमीशन। आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बता देना, क्योंकि जियो का भी जो 149 है ना उसमें भी इतना कमीशन नहीं मिलता है जो एयरटेल में ये कमीशन जो मिले। उसके साथ साथ और भी कमीशन है जो आप लोग वीडियो को एंड तक देखो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो उसके बाद आता है 219, मतलब 219 रुपीज़ का अगर आप लोग न्यू एक्टिवेशन के टाइम FRC काटते हो तो आप लोगों को टोटल 126 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। 126 रुपीज़, तो सोच सकते हो कितना बड़ा कमीशन, वो भी न्यू एक्टिवेशन पर, जो कि पहले न्यू एक्टिवेशन मैक्सिमम 78 रुपीज़ का कमीशन मिलता था, वो भी 258 रुपीज़ का न्यू एक्टिवेशन करके। ओके, तो उससे तुलना में बहुत ही बढ़िया एक कमीशन लॉन्च किया है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद और एक कमीशन है, मतलब FRC प्लान है जो है 249 रुपीज़ का। आप अगर कस्टमर को न्यू एक्टिवेशन के टाइम 249 रुपीज़ का FRC काटते हो तो आप लोगों को टोटल में 158 रुपीज़ आप लोगों को टोटल कमीशन मिलेगा, उसमें से 143 रुपीज़ OTA, साथ में रिचार्ज का 15 रुपीज़ कमीशन। तो आप सोच सकते हो मतलब कितना बढ़िया कमीशन तो यहाँ पर दिया गया है। तीनों पैक है 149 रुपीज़, 219 रुपीज़, 219 रुपीज़, साथ में 249 रुपीज़, 249 रुपीज़। ये तीनों पैकों में कुछ धांसू ऑफर लॉन्च किया है मतलब एयरटेल ने। तो आप लोगों को कोई भी कस्टमर से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना कमीशन मिल रहा है। इसके बाद मतलब मेरे ख्याल से लगते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मेरे को सच में बता रहा हूँ एयरटेल का जितने भी सिम लोग खरीदते वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से लगते हैं वो नेट चलाने के लिए ही नहीं, वो जो कीपैड मोबाइल है उसके लिए लेते हैं। वो मैं गाँव के एरिया के लिए बोल रहा हूँ, तो शहर में अलग हो सकते हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कीपैड मोबाइल के लिए सिम लेना, तो जिसके लिए है 149 रुपीज़। और 149 रुपीज़ पर भी एक मतलब 69 रुपीज़ का कमीशन तो बहुत बढ़िया लगा। साथ में 219 रुपीज़ का अगर आप लोग FRC करोगे तो यहाँ पर 126 रुपीज़ का कमीशन आप लोगों को मिलेगा, 126 रुपीज़ का कमीशन, तो एक बहुत ही बढ़िया कमीशन है। साथ में अगर आप लोग 249 करते हो तो आप लोगों को 158 रुपीज़ का कमीशन मिलेगा। तो एक बेस्ट कमीशन है एयरटेल की तरफ से, मेरे ख्याल से लगते हैं एयरटेल ने बहुत ही बढ़िया अपडेट किया है कमीशन को लेकर। आपको कैसे लगते हैं, मतलब क्या लगते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी मिस हो गया तो भी कमेंट करके बता देना, और अगर कोई भी आपको आदर्श जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं जरूर हर एक कमेंट का आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। जरूर हमारे साथ बने रहना, जो भी अपडेट वगैरह आएगा बिजनेस रिलेटेड सारा चीज़ आप मतलब मैं आप लोगों को जरूर बताऊँगा। जरूर इस चैनल के साथ बने रहना,
जितना हो सके आपकी तरफ से सपोर्ट करना, मेरे तरफ से जितना होगा आप लोगों को मैं सपोर्ट दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं और एक धमाके सा वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।